ऑलराइट, सो आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं कि पल्सर F250 के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाने का। सो ये एक नया ब्रांड है जो अभी काफी फेमस हो गया अमेजोन पे, और ये लोग काफी बाइक्स के लिए ये बनाते हैं स्क्रीन गार्ड। सो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चाहे आपकी कोई भी बाइक हो, एक बार चेक कर लो, शायद आपको मिल जाएगा आपका स्क्रीन गार्ड। तो आज हम लोग F250 पे करने वाले हैं इसका स्क्रीन गार्ड इंस्टॉलेशन। तो देखते हैं इसके पैकेट के अंदर अब क्या क्या आता है और कैसे लगाना है, पूरा इसमें कवर करते हैं। सो 500 रुपीज का पैकेट है ये, और इसमें हमें दो मिलते हैं स्क्रीन गार्ड्स, जो कि काफी अच्छी बात है कि भाई अगर आपसे एक गलत लग गया तो ये, और ये एक स्टिकर भी है साथ में। ओके नाइस। पैकेट के अंदर एक कपड़ा दिया हुआ है स्क्रीन को साफ करने के लिए। डिफेंडर कंपनी की तरफ से हम लोगों को ये एक थैंक यू नोट मिलता है, जो कि काफी अच्छा गेस्चर है। इससे कंपनी की कमिटमेंट हमें समझ में आती है। और इसके साथ फिर मिलता है ये अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये। इससे हम लोग स्क्रीन पे हम लोग लगाएंगे, या फिर हम लोग इसे कपड़े पर भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट स्क्रीन साफ कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी एक मिलता है डस्ट एब्जॉर्बर। स्क्रीन को पोंछने के बाद अगर कुछ अगर बचा होगा रेसिड्यू तो हम लोग इससे वो साफ कर लेंगे। और फाइनली इसके साथ मिलता है ये कपड़ा जिससे हम लोग स्क्रीन को साफ करेंगे। सो इतनी सारी चीजें इसमें मिलती हैं। पहले हम लोग स्क्रीन को साफ करेंगे कपड़े से। तो पहले हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को इस कपड़े पर हम लोग डाल लेते हैं। थोड़ा छोटा कपड़ा है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। ओके, सो इसके अंदर डायरेक्ट आप देख सकते हो वाइप दिया हुआ है। इसको हम लोगों को डायरेक्ट स्क्रीन पे लगा के बस साफ कर देना है। दूसरा वाला हम लोग रखेंगे सेकेंड टाइम जब हमें स्क्रीन गार्ड लगाना होगा उसके लिए। अभी फिलहाल इस कपड़े से बस हम लोग साफ कर लेते हैं। तो आता है डस्ट एब्जॉर्बर का रोल। डस्ट एब्जॉर्बर को ऐसे यूज करना है, चिपका चिपका के बस उठाना है स्क्रीन पे से। तो जैसे भी मतलब जो भी डस्ट वगैरह होगा उसको उठा लेगा ये अपने साथ। डस्ट उठा लिया सारा, अब बस इस पे लगा देना है स्क्रीन गार्ड को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहले इस 1 को आपको पील करना है, और फिर जो 2 लिखा हुआ है इसको बाद में पील करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 को पील ऑफ करेंगे और इसको स्पीडोमीटर पे लगाएंगे, और फिर जो 2 वाला पार्ट है वो उठेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये स्क्रीन गार्ड थोड़ा छोटा है साइज में, ऊपर और नीचे थोड़ा गैप बचा हुआ है। तो आप क्या करो कि यहां से भी ऐसा 1 और 2 mm का गैप रखो, और ऊपर से भी 1 या 2 mm का गैप रखो, तो आपको काफी इवन लगेगा वो जब हम लोग लगा लेंगे। सो अब शुरू करते हैं। पहले 1 हम लोग निकालते हैं नीचे से, और 1 को लगाने के लिए ऐसे लगाना है। ये लगाने के बाद आप उसको दबाते जाओ और पीछे से निकालते जाओ। ये भी ये ब्लूइश लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर और एक ये पील है, उसको निकालने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अच्छे से। अलाइनमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें, जो कि मैडी ने नहीं रखा है। गाइस आप भी ध्यान रखिए, ये नीचे से जो गोल वाला है पहले इसको आप अलाइन कर लो अच्छे से, क्योंकि अगर गोल वाला अलाइन हो गया तो बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। सो हम लोग अब ये तरीका यूज कर रहे हैं कि भाई पूरा निकाल लिया पील को, और हाथों से उसको अलाइन करके बस अब चिपका देंगे। सो ये काफी हेक्टिक हो जाता है अगर आपको इसका ज्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे किया जाता है, तो अलाइनमेंट का आपको बहुत ध्यान देना होगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हो काफी अच्छे से लगाया हुआ है और बिल्कुल भी बबल बबल कहीं नहीं आया एक भी अभी तक। यहाँ पे शायद एक कुछ है यहाँ पे बबल, लेकिन अभी समझ में आएगा वो। अब हम लोग इस दूसरे पील को निकालेंगे और देखते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट कैसा दिखता है। मेक श्योर करो कि बबल कहाँ कहीं पे भी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बबल हो गया है अभी फोकस, लेकिन आप दबा दबा के उसको निकाल सकते हो। बीच में बबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक वार्निंग गाइस, अगर आप इसको धूप में ज्यादा अगर रखते हो गाड़ी, या अगर आप बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो आप मेक श्योर करो कि इसको हर एक साल में आप निकाल दो और फिर से नया लगा दो, क्योंकि इसका जो गम होता है वो आपके इस पे रह जाएगा रेसिड्यू और आपके स्क्रीन को वो खराब कर सकता है लॉन्ग टर्म में। सो ये एक पॉइंट है, इसीलिए इन्होंने दो दिया हुआ है कि एटलीस्ट मतलब आपका दो साल तो चल जाएगा कम से कम 500 रुपीज का। सो आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम लोगों ने स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है। काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है उस हिसाब से ये। हालांकि पतला है, ऐसा नहीं है कि टेम्पर्ड ग्लास जैसा है मोटा है, ये एज पे आप देख सकते हो कि काफी पतला है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है मतलब काम करेगा। मेरे जिक्सर का 299 का था एक स्क्रीन गार्ड और ये लोग 500 में आपको दो दे रहे हैं। सो यही था, इसमें जो भी बचा हुआ है वो फिर कभी हम लोग यूज करेंगे, प्रोबेबली 2-3 साल में जब निकालेंगे इसको तो वापस एक बार यूज कर लेंगे। सो 500 रुपीज ठीक है, वर्थ है, ज्यादा बुरा नहीं है। दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए यही था। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने ये फोन होल्डर लगाया हुआ है ग्रैंड पिट स्टॉप का, बोबो के जैसा ही इसका भी डिजाइन है काफी। और इसको हम लोगों ने कैसे लगाया था अगर आप देखना चाहते हो इस हैंडल बार पे, क्योंकि इस हैंडल बार पे जल्दी आपको मिलेगा नहीं फोन होल्डर लगाने के लिए, मोस्टली लोग ये स्क्रू पे लगाते हैं या फिर ये स्क्रू पे। इसको हम लोगों ने स्क्रू पे नहीं लगाया है, इसको हम लोगों ने जो इधर जो बार जैसा जो होता है उस पर ही लगाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि हम लोगों ने ये कैसे लगाया हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल को, उसमें हमारा आई थिंक लेटेस्ट वीडियो इसी के ऊपर था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लो। और F250 के ऊपर काफी ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं, अभी माइलेज टेस्ट का एक वीडियो बनाने वाले हम लोग, इसका प्रॉपर सोलो भी बनाएंगे और एक सोच रहे हैं पिलियन के साथ भी बनाएं। सो देखते हैं वो कैसा जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।